हरियाणा, हेलो पंजाब, नमस्कार। मैं भावना दीक्षित, मीडिया मेंटर की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है कि नवरात्रास चल रही हैं, तो आज मैं फिर से आपको दीपिका मैम के पास लेके जा रही हूँ, जहाँ पे एक आज फिर डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एफर्मेशन एंड मंत्रास। तो दीपिका मैम, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो आज हम एफर्मेशन क्या क्या होती हैं और ये मंत्रास का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन चाहती थी, ताकि इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार भावना जी, नमस्कार व्यूअर्स। मैं आपको पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे से इस टॉपिक पे बात करने आए हैं। जी, अफर्मेशंस और मंत्रास में फर्क तो होता है। मंत्रास वैसे कोई खास फर्क भी नहीं होता। मंत्रास जैसे हमारे एक पर्टिकुलर भाषा में होते हैं जी, मंत्रास का कोई खास मीनिंग भी नहीं होता, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस होती हैं। ऐसी अफर्मेशंस का कुछ मीनिंग दिखता भी है, लेकिन इनकी एक वाइब्रेशंस होती है। आज सबकॉन्शियस में ये चीजें काम करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक हमें इनको लेके जाना होता है। भाषा का, जब भाषा नहीं थी तब एक साउंड था, एक आवाज थी ब्रह्मांड में, नाद, जिसे हम आज की डेट में नाद कहते हैं। मंत्रास जो है वो उसी नाद में से, उसी ब्रह्मांड की, उसी यूनिवर्स की साउंड में से निकलते हैं। ओके, इसमें बीज मंत्रास भी होते हैं, वैदिक मंत्रास भी होते हैं, शाबर मंत्रास भी होते हैं जी, और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ये सारे मंत्रास का हमारी लाइफ पे अलग अलग इफेक्ट आता है। यस, हर मंत्र का, हर आवाज का, एक्चुअली हर आवाज का, हर साउंड का अलग अलग इफेक्ट आता है। जैसे आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो आपका सर घूमने लगता है, यदि आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं तो आपके पैर थिरकने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। ये एक जनरल सी बात सबको समझ में, डिस्को में जाते हैं तो हमारी सारी बॉडी शेक करती है और हम पैरों से थिरकते हैं, और एक डिफरेंट टाइप का हमारी बॉडी जो डांस करती है, ठीक है। जब हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, जब गुरबानी सुनते हैं, जहाँ प्रॉपर जो इंडियन म्यूजिक को, लाइट म्यूजिक को सुनते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से हमारा सर भी घूमता है कई बारी, या हम सुनते हैं, समझते हैं, या रिलैक्स हो जाते हैं। वाइब्रेशंस का फर्क हो गया, हम म्यूजिक का फर्क हो गया, मतलब साउंड का फर्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम को कोई वही वर्ड कोई प्यार से कहता है, उसका मीनिंग हमारे लिए अलग होता है और हम उसकी बात को फॉलो भी डिफरेंट लेवल से करते हैं। बिल्कुल। और उसी चीज को हम दूसरे लेवल तक बोलते हैं तो वो भी अलग, उसकी फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है एक्चुअली। ओके, गुस्सा मतलब गुस्से की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, प्यार की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अब प्यार से बोला कि दरवाजा बंद कर दो, तो उसमें प्यार से कर भी दिया, दरवाजा बंद कर दो तो उसमें गुस्सा आ गया, तो टोन भी बदल गई, फ्रीक्वेंसी भी बदल गई। ऐसे ही सारे मंत्रास में सात्विक, दैविक मंत्र होते हैं हमारे पास, राजसिक मंत्र होते हैं। तो जब हम श्री मंत्र है, विष्णु मंत्र है, वो राजसिक मंत्र है। अब इसमें तामसिक मंत्र भी होते हैं, तो काली के मंत्र हो गए, भैरव जी के मंत्र हो गए, वो हमारे अंदर गुस्सा और जुनून सा स्ट्रांगनेस भर देते हैं। बाकी कई मंत्रों में हम लोग धीरे धीरे आराम से करते हैं, तो हमें वो हमारी बॉडी पे भी फर्क पड़ता है, माइंड पे भी फर्क पड़ता है, सोल पे भी फर्क पड़ता है। तो कई बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम। ओम जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल मंत्र है, यूनिवर्सल साउंड है एक्चुअली। ये अंदर से पैदा होनी है जी, ये 24/7 रेगुलर चल रही है। बिल्कुल। और जितने भी बीज मंत्र है इसके अंदर ही आ जाते हैं। जैसे आजकल हम माँ के मंत्र बोल रहे हैं, देवी के मंत्र हरीम बोल रहे हैं, अंदर चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये मंत्र आपको अंदर से सुनाई देगा धीरे धीरे। ओके। श्री लक्ष्मी जी का मंत्र श्री बोलोगे और वाइब्रेशंस को बॉडी में फील करोगे, तो ये अपने आप वहां तक काम करना लगेगा कि आप पैसे के मैग्नेट बन जाओगे, मनी मैग्नेट भी बन जाओगे। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, सारी लक्ष्मी आपके अंदर आनी शुरू, सुख संपन्नता आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी।
यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मंत्रास के साथ हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को भी सोल्यूट हाँ उसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी पूरी वाइब्रेशंस के साथ ही बनी हुई है, एनर्जी के साथ ही बनी हुई है। एनर्जी एक जगह पे टिकती तो नहीं है, एनर्जी का जो सॉलिड रूप है वो हमारी बॉडी है, उसका फिर धीरे धीरे ये सॉलिड होते जाता है। पहले होते तो हम पानी से पैदा हो रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, माँ के गर्भ में एक छोटा सा बीज ही तो जाता है ना, वो भी पानी रूप में ही होता है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद में देखो ये बॉडी बन जाती है, कुदरत का करिश्मा देखो ये कैसे कैसे हो रहा होता है। तो हम उसके तो पारावार है ही नहीं, हम तो उसको पा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, वो तो बेअंत है। लेकिन जितनी भी हमारी मानव बुद्धि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको समझ के हम जो भी जितना भी करने की कोशिश करते हैं, दिन दूनी रात चौगुना हमें इसके बारे में और पता चलता जाता है। और करके देखो ये चीजें, ऐसे बात नहीं बनती कि मंत्र करने से बच्चे पैदा हो जाएंगे, मंत्र करने से पैसे आ जाएंगे, मंत्र करने से ये आ जाएगा, मंत्र करने से वो आ जाएगा। देखो जो अनजान लोग हैं जो इस चीज को नहीं जानते वो बोलते हैं, उनका बोलना वाजिब है क्योंकि वो जानते ही नहीं है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दे जानते ही नहीं है, दे डोंट नो कि व्हाट इज दैट। ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करके देखो आप, करके देखो, रिजल्ट पाओ, खुश रहो, फिर पता लगता है कि यार वाकई में एक मंत्र कर रहे हो, बच्चे को 10 दिन लगातार करवा रहे हैं लेकिन उसकी माइंड बॉडी एंड सोल एक सेध में आके एक मंत्र को कर रही है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन लेवल किस लेवल पे चली जाती है। बच्चा फेल होता होता पास होना शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे नंबर फर्स्ट आना शुरू हो जाता है, उसके मार्क्स कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। एक दीपिका मैम, मेरा मन में एक क्वेश्चन आ रहा है इसी चीज को लेके। कहते हैं कि जब आप कोई आपकी एस्ट्रोलॉजी में आपका टेवा देखता है, उस टेवे के अकॉर्डिंगली वो कहेंगे कि आपको ना कोई उपाय सूट नहीं करेगा, कोई जल प्रवाह सूट नहीं करेगा, आपको सिर्फ मंत्रा सूट करेंगे, क्या ये चीजें एक्चुअल में होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखो जब कोई ग्रह, जब हम कोई उपाय करवाते हैं, उपाय कई बारी तो क्या होता है हम कुछ चीजें आपसे दूर करवाते हैं, मतलब कोई नेगेटिव ग्रह है जिसकी नेगेटिव रेज आपके आपकी कुंडली जब हम देखते हैं तो कुछ ग्रह नेगेटिव असर डाल रहे होते हैं, बिल्कुल। अब उसको हमने ठीक करने के लिए उसकी कुछ चीजें, पर्टिकुलर उसकी चीजें हम आपसे दूर करवा देते हैं, जैसे जल प्रवाह करवा दी, या मंदिर में रखवा दी, या किसी को दान करवा दी, बिल्कुल वो आपसे परे करवा दिया गया। और जैसे आपने कहा कि भी फिर ये हो गया उपाय, ठीक है, कोई स्टोन का मतलब होता है कोई थोड़ा अच्छा ग्रह हो लेकिन उसकी वाइब्रेशन हमें और तेज करनी हो, तो हम जैसे जॉडियक से वो स्टोन जो है रेज लेके हमारे अंदर दे देता है, एज अ मतलब कि आप फोन के अंदर जो जैसे सिम होता है लाइक दैट, एंड उससे आपको बेनिफिट होता है। अब मान लो दोनों ही चीजें आपके उसमें काम नहीं कर रही, और इसका मतलब है कि वो ग्रह आपकी बॉडी के अंदर जो, क्योंकि जो ग्रह मिंडे सोई पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारी इस पिंड में, इस शरीर में है, बिल्कुल ठीक। अब कोई ग्रह का हमें उसकी दशा अंतर दशा चल रही है लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं है, मतलब उसका कोई काम हो ही नहीं रहा, तब उसका बीज मंत्रा, उसका शावर मंत्रा या उसका वैदिक मंत्रा लेके हम आपको बोलते हैं कि भाई अब इस समय में आप ओनली मंत्र यूज करो जी, उसको एक प्योरिटी के साथ, मन के साथ, दिल के साथ आप मंत्र को बोलो, उस बीज मंत्र को बोलो और देखो, फिर उसमें से आपको बेनिफिट पता लगेगा कि भाई हाँ वो ग्रह की जो एनर्जी है आपके साथ रेजोनेट होने लगी और आपके वो काम जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो होने लगी। बिल्कुल ठीक है, यानी ये इन चीजों का काफी असर ये असर पड़ता है जी। जी थैंक यू सो मच दीपिका मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आज आपने देखा किस तरीके से अफर्मेशंस में और मंत्रास में क्या डिफरेंस है, ये इन दोनों का हमारी लाइफ में क्या रोल है, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दीपिका जी की नेक्स्ट वीडियो हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने लेके आएंगे, और आई होप कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भावना दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से। थैंक यू।